राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब माता पार्वती का विवाह हुआ तो माता पार्वती की विदाई हो रही थी तो विदाई से पूर्व उनके पास एक ब्राह्मणी को भेजा गया था। उन ब्राह्मणी ने माता पार्वती को पतिव्रता नारी के जो स्वरूप बताए हैं, पतिव्रता नारी कैसी होनी चाहिए और पतिव्रता नारी का क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या धर्म है, वही मैं आज आपको शिव महापुराण के अनुसार बताने जा रही हूँ। तो मेरा कोई कर्तव्य नहीं बनता है ये बात बताने का, क्योंकि सभी स्त्रियां अपने में महान है और ना ही मैं महिलाओं के अधिकारों का हनन कर रही हूँ। मैं एक सशक्त, खुद सशक्त महिला हूँ और मैं हमेशा महिलाओं के कभी भी अधिकारों का हनन नहीं करती हूँ, लेकिन जो शास्त्र कहे हैं, जो शास्त्र में बातें आई हैं, मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि जब औरत राजस्वला होती है, अर्थात जब औरत पीरियड्स में होती है, तो पीरियड्स में होने के बाद जब वो ठीक होती है और ठीक होने के बाद जब वो अपने केस होती है, तो सबसे पहले उसे अपने पति का मुख देखना चाहिए। ऐसे शिव महापुराण में आया है कि जब पार्वती मैया की विदाई हो रही थी तो एक ब्राह्मणी उनके पास आती है और वो आके पार्वती मैया को ये बातें बताती हैं कि जब भी औरत राजस्वला हो, अर्थात उसके जब भी पीरियड्स आए, जब भी मासिक धर्म आए, तो मासिक धर्म से फ्री होने के तत्पश्चात उनको अपने केस धोने चाहिए। और कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री को कभी भी मासिक धर्म में संभोग नहीं करना चाहिए, सेक्स नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि मासिक धर्म में संभोग करने से, सेक्स करने से जो आपका नेक्स्ट जन्म होता है वो कुतिया का मिलता है, अर्थात बिच का जन्म मिलता है। ऐसा मैं नहीं बोल रही, ऐसा शिव महापुराण बोल रही है। दूसरा, पति ना हो। अगर बहुत सारी चीजें कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि हस्बैंड ही ना हो घर पे, टाइम ऐसा हो जाता है कि हस्बैंड ही घर पे ना हो। अगर हस्बैंड घर पे ना हो, जैसे कि बहुत सारे लोग आर्मी में नौकरी करते हैं, फौज की ड्यूटी करते हैं, बीएसएफ में है, या फिर बाहर गए हुए हैं, तो फिर आपको स्नान करने के तत्पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए और सूर्य भगवान का ही चेहरा देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही सब कुछ होता है, ना तो भगवान से भी ऊपर जिसका दर्जा दिया गया है वो एक पति का दर्जा दिया गया है। कहते हैं कि एकमात्र पति ही विष्णु और पति ही शिव के शिव से भी अधिक माना गया है, उसके लिए अपना पति ही शिव स्वरूप माना जाता है। कहते हैं कि अगर पति की आज्ञा ना हो तो औरत को तीर्थ यात्रा पर भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, दोबारा से क्लियर कर दूं, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है कि अगर पति की इच्छा ना हो तो। कहते हैं कि अगर पतिव्रता स्त्री का ये कर्तव्य है कि अगर पति आपको तीर्थ यात्रा के लिए मना कर रहा है तो आपको तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना चाहिए, अर्थात उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि पति की आज्ञा के बिना आपको किसी भी प्रकार का व्रत, किसी भी प्रकार का उपवास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप पति की आयु को हर लेते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर आपके पति की आज्ञा नहीं है तो आप किसी भी प्रकार का व्रत और उपवास मत कीजिए। और कहते हैं कि ऐसा करने वाली स्त्रियों को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। तो जो अपने पति से तू कह के बोलती हैं, वह नेक्स्ट है, जो अपने पति को तू कह के बोलती हैं वो अगले जन्म में गूंगी पैदा होती हैं। और तो और ये भी बोला जाता है कि पतिव्रता जो स्त्री होती है उसको कहते हैं कि गंगा सबका पाप हरती है, लेकिन अगर पतिव्रता स्त्री गंगा जी में जाके स्नान कर ले तो गंगा माता स्वयं कहती हैं कि मैं शुद्ध होने के लिए, लोग पवित्र होने के लिए, अपने पाप धोने के लिए मेरे पास आते हैं, लेकिन कोई पतिव्रता स्त्री अगर मेरे पास आके स्नान कर जाती है तो मैं शुद्ध हो जाती हूँ, मैं पवित्र हो जाती हूँ। कहते हैं पतिव्रता स्त्री के पैर जिस भी घर में पड़ते हैं वो घर पावन पवित्र हो जाता है। सूर्य चंद्रमा वायुदेव जो भी हैं, जो भी हमारे समस्त देवी देवता हैं, वो भी पवित्र अपने आप को मानते हैं। अगर पतिव्रता स्त्री की का स्पर्श उनसे हो जाता है तो वो भी अपने आप को पवित्र मानते हैं। इतनी महिमा पतिव्रता स्त्री की शिव महापुराण में बताई गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।